खबर धौलपुर से। बसेड़ी में विधायक बैरवा ने जनसुनवाई की। पूर्व प्रधान ने बिजली चोरी का मुद्दा उठाते हुए अवैध तंत्र खड़ा कर उत्तर प्रदेश के किसान पर विद्युत चोरी की सच्चाई का आरोप लगाया। धौलपुर जिले के सरमुद्रा में रविवार को पंचायत समिति सभागार बसेड़ी में राजस्थान एससी आयोग अध्यक्ष एवं बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने जनसुनवाई कर आमजन की समस्याओं को सुना। जनसुनवाई में विद्युत निगम की समस्याओं पर नाराजगी जताते हुए पूर्व प्रधान उदयभान सिंह गुर्जर ने बताया कि विद्युत निगम के अधिकारियों की गलत नीतियों के कारण प्रदेश के उपभोक्ता परेशान हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के किसान अवैध तंत्र खड़ा कर बिजली चोर कर सिंचाई कर रहे हैं। पूर्व प्रधान की शिकायत सुनकर बसेड़ी विधायक ने नाराजगी जताते हुए विद्युत निगम के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। विद्युत निगम के एसी बीएल वर्मा ने विधायक को बताया कि बसेड़ी के किसानों ने जिले का अंतिम छोर एक एग्रीकल्चर कनेक्शन ले रखे हैं। किसानों की मिलीभगत से ही अवैध तंत्र खड़ा कर बिजली चोरी को अंजाम दिया जा सकता है। मामला पहली बार संज्ञान में आया है। बिजली चोरी रोकने के लिए विभाग के स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। बसेड़ी विधायक ने विद्युत निगम के अधिकारियों को उत्तर प्रदेश के किसानों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने एवं लोगों की समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करते हुए झूलते विद्युत केबल को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में शहर के मुख्य रास्तों पर अतिक्रमण का मुद्दा लोगों ने उठाया तो बसेड़ी विधायक बैरवा ने नगर पालिका योगीराज सिंह को शहर की सड़कों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। विधायक ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा करते हुए मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए सतर्क रहने के लिए पाबंद किया। बैरवा ने जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल के माध्यम से पानी पहुंचाने के लिए नानेरा गांव में विधि विधान से पूजा अर्चना कर भूमि पूजन कर पानी की टंकी की आधारशिला रखी।